बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने वो मौलवी ज़ुल्फ़कार देवबंदी जो अपने आप को नक्शबंदी कहलवाता है उसकी मैंने तकरीर सुनी है। उसके जो दादा मुर्शिद थे हजूर फजल अली कुरेशी मस्कीनपुर वाले रहमतुल्लाह अलैह, वो मिलाद शरीफ भी पढ़ते थे, क़ियाम भी करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ते थे, मिलाद शरीफ का एहतमाम करते थे। लेकिन इसके जो अकायद हैं उनसे हट कर हैं। ये फ़ख्रिया अपने आप को जो बंदी कहलवाता है, कहता है कि जैसे घी अब डालडा भी है तो बेगम कहती है असली खालिस घी लेकर आओ, यानी वो कहता है हम देवबंदी असली अहले सुन्नत है। तो इस पर मेरा एक सवाल है कि तहज़ीरुन नास की जो इबारत कासिम ननोतवी बानिये देवबंद की है जिसमें ये लिखा गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आ जाए तो ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसकी वजाहत करें कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है, कि अगर किसी नए नबी के आ जाने से ख़त्म नबूवत में फ़र्क ना पड़े तो कादियानियों के बारे में क्या कहोगे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि देवबंद को खालिस घी से ताबीर कर रहा है, ये जो इस्माइल देहलवी साहब थे जिनकी किताब सिरात मुस्तकीम है, उलमाए देवबंद के आलम थे और इन्होंने सिरात मुस्तकीम में लिख दिया कि नबी में अगर बैल घोड़े का गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज कायम रहती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज माज़ अल्लाह टूट जाती है। क्या आप लोग अत्तहियात में देवबंद हजरात दरूद नहीं पढ़ते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं पढ़ते? क्या हजूर की तरफ ख्याल नहीं जा सकता? क्या फिर तुम्हारी नमाज होती है? या फिर वो हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो हालत नमाज में थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला लिया लेकिन वो नमाज ही पढ़ते रहे, फिर वो उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आपने मुझे बुलाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, यानी उसकी नमाज में उसे हजूर का ख्याल आया ना कि वो नमाज के बाद हजूर की तरफ लौटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ही तूने ये आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालों जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए उनको फौरन जवाब दिया करो, इसी में तुम्हारी बका है, इसी में तुम्हारी जिंदगानी है जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए। अल्लाह की तो आवाज़ तो किसी सहाबी नहीं सुनी, बुलाते तो आप थे। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर जो सहाबा चल पड़ते, काम करते, फिर उसी रकू सजूद में चले जाते, तो ये तो डायरेक्ट अल्लाह की आवाज़ तो नहीं थी। रसूल का बुलाना दर हकीकत अल्लाह का बुलाना है, मैं यो तेर रसूल फ़कद था अल्लाह, ये कुरानी आयात हैं, इनके पेश नज़र इस्माइल देहलवी साहब ने लिख दिया कि रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और तुम कहते हो हम असली घी हैं, खालिस देवबंद हैं, इस इबारत की तशरीह करो। फिर जो हिफ्ज़ुल ईमान अशरफ अली थानवी साहब की किताब है उसमें थानवी साहब ने लिखा जो इल्म तुम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तस करते हो बाज़ उलूम गैबिया, इसमें आपकी क्या तख़सीस? नऊज़ुबिल्लाह ऐसा इल्म बच्चों को है, पागलों को भी है, जमी बहाइम को फराम है। ये कितना नऊज़ुबिल्लाह बेबाकाना अल्फाज हैं।
اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم غیبیہ پر اگر یہ فتویٰ صادر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علوم ذاتی ہیں، از خود ہیں، لا محدود ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کو علوم عطا کیے وہ اللہ کی عطا سے ہیں اور اللہ کے علم کے آگے باس، اب باس ہو رہی ہے حضور کو جو اللہ نے علوم عطا کیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَا كَمَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَا كَ، اے نبی اللہ نے آپ کو علم عطا کر دیا، مالم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہوا، عظیم فضل فرما کر جو علوم عطا کر رہا ہے، ترازو تو نہیں ہے ہم جن کو ناپ سکیں، البتہ علم عطا ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، اس سے کسی کوئی موازنہ نہیں کر سکتا، تو وہ لا محدود ہے، ذاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے سورۃ تکویر 30 پارہ میں فرمایا وما ہوا علی الغیب بدانین، میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، بخل وہ نہیں فرمائے گا جس کے پاس علم کا خزانہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، لا محدود ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اس کی چاہت سے، یعنی وہ جتنا عطا کر دے۔ ملائکہ کے لیے آیا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہم ذاتی طور پر نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور آدم علیہ السلام جو میرے پیارے محبوب کے ابا بھی ہیں لیکن میرے محبوب کے مقتدی ہیں، کملی والا تمام انبیاء کا مقتدی ہے، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصادی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پیاں، آپ مقتدائے انبیاء ہیں، پیشوائے انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ابو البشر آدم کے لیے قرآن میں وارد ہوا وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب كُلَّهَا یہ آدم کے لیے مستعمل ہوا، کیا اسے شرک ہو گئے؟ وہ نقشبندی کہلوانے والوں، بغض رسول کو اپنے دل میں سے نکالو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ کلی جزی باسو میں مت پڑھو، خدا دے پڑھاور تو صدقے، نبی دے علم تو صدقے، قیامت تک دے خبرہ نساور تو صدقے، اس لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، جب ذات حق معراج والی رات نبی پاک سے کے سامنے نہ چھپی، اب تو کیا ترازو اٹھا کر علم نبی کو تولے گا؟ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، لا محدود ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اس کی چاہت سے، یعنی جو وہ عطا کر دے۔ تو جب ہم سرکار کا عطائی علم مانتے ہیں، دینے والا جانے لینے والا جانے، تو کیا جزی کلی کے فتنے میں پڑ گیا؟ اپنے مکاشفے تو اتنا بیان کرتے ہو نقشبندی کہلا کر، لیکن نقش کو نکالو، تمہارے عقائد حضور فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی مثال اشرف علی تھانوی صاحب نے، علم رسول کی باس ہو اور وہ کہہ کہ اگر بعض علم مراد ہے سرکار تو اس میں آپ کی کیا تخصیص، تو ایسا علم تو جانور پاگلوں کو بھی ہے، دیوبند کو اصل گھی کہنے والے، ہو باس علم رسول کی اور اس میں جانوروں کو تھانوی صاحب لے آئے ہیں، اب تو فخر کر رہا ہے اپنے اصلی گھی اور دیوبند ہونے پر، وہ کیسے؟ اور پھر
तू कह रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, सैयदुल बशर कहना चाहिए। क्या हमारे इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या हमारे किसी जय्यद आलम ने इनकार तो नहीं किया? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान कामिल मानते हैं। हमारे अकाबरीन की किताबें देख ले, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल बशर मानते हैं, हम अकमलुल बशर मानते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत नूर है, और नूर और बशरियत से पहले तो आपकी नबुवत है, जो बशरियत और नूर से भी मावरा है। आपका खासा ये है कि आप इमामुल अंबिया हैं। आपका खासा ये है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। नूर और बशर ये तो बाद की बातें हैं, अकीदा ये है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अकीदा ये है कि नूर और बशर की तख्लीक से पहले आपकी नबुवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन तो नबियों व आदम व बैन अल माय व तीन, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब जब आदम पानी और मट्टी में थे। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसानियत का अब्बा पानी और मट्टी में था। हजूर की नबुवत तो पहले है, आपकी अफजलियत आपकी नबुवत से है, अव्वलुल खल्क होने की वजह से है। बाकी वो तो आपके सिफात हैं, नूर भी सिफत है, बशरियत भी सिफत है। लेकिन आपने फरमाया, अव्वल मा खालकल्लाहु नूरी, अव्वल मेरे नूर को खल्क किया गया। ये हदीस है, और तू इससे मुराद ले रहा है कि रूह। किस तफसीर में ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब आपने पढ़ा है कि नूर से मुराद रूह है? रूह के बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल रूहम मिन अम्र रब्बी। ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवाल किया जाता है, रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ए मेरे नबी फरमा दो ये रूह अल्लाह का हुक्म है। वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत है, अव्वल मा खालकल्लाहु नूरी। और तुम खालिस घी कहने वाले देवबंद को फख्री अंदाज में आप नशरतीब पढ़ो। आप काश के आपको मुतालिया होता। नशरतीब अशरफ अली साहब थानवी ये हदीस नकल कर रहे हैं, काला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन तो नूरन बैन यदै रब्बी कबले खल्के आदम बे अरबाअत आशरा अल्फा आमिन, मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले भी नूर था। और फिर इस हदीस की ज़िमन में वो लिखते हैं कि नशरतीब में मुतालिया करो। थानवी साहब लिखते हैं कि हजरत अब्दुल मुतलिब परेशान थे, और परेशानी के आलम में जब वो बैतुल्ला में पहुँचे तो उनके पेशानी से नूर मुस्तफ़ा चमका, काबा की दीवारें रोशन हो गईं। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवल्लुद भी नहीं हुआ, बाज़ाहिर आपकी विलादत भी नहीं हुई, लेकिन थानवी साहब लिख रहे हैं कि अब्दुल मुतलब की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा चमका और काबे की दीवारें रोशन हो गईं, और हजरत अब्दुल मुतलब की परेशानी दूर हो गई। भाई, जिन उलमाए देवबंद पर फख्र कर रहे हो ये उनकी नशरतीब पढ़ लो, और फिर मवाजना कर रहे हो कि अशरफुल मखलूकात इंसान है, नूर नहीं, नूरी मखलूक नहीं, अशरफुल मखलूकात इंसान है। बेशक है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की मिसाल मलाइका के नूर से देना ये तो परले दर्जे की बेवकूफ़ी है। जिब्राइल नूरियों का सरदार था, सिदरा पर रुक गया। उसने कहा कि मैं ज़रा आगे बढ़ूँगा तो मेरे पार भी चल जाएंगे। अब मलाइका के नूर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रिलेटेड करना ये कहाँ का इल्म है? अच्छा, फिर अल्लाह ने तो फरमाया है, अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, वो अल्लाह जो फरमाता है कि
लैसा का मिसल ही शय हूँ, मेरी मिसल कोई नहीं है। लेकिन वो कुरान में फरमा रहा है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं आसमानों का ज़मीनों का नूर हूँ। तो फिर अल्लाह और मलाइका के नूर को एक ही रंग दोगे, मसावी कहोगे। मौलविया ये पीरी मुरीदी करना छोड़ दे, तू अगर किसी कामिल के हाथ लगता या हजूर फजल अली कुरैशी का सच्चा मुरीद होता तू ज़ात मुहम्मदी पर बास ना करता। तो इसलिए कद जाकुम मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन, ये आयात बयनात हैं। तो तफसीर रूहुल मानी देखो, तफसीर खाजन बसरी उठा कर देखो, तफसीर रूहुल बयान उठा कर देखो। खिलकत मुहम्मदी नूर है, बेसत में आप बेमिसल बेमिसाल बशर है, लेकिन जो आपकी अजमत है वो है बाद अज खुदा बुजुर्ग की किस्सा मुख्तसर। जहाँ आपका शान अल्लाह के बाद है वहाँ नूर और बशर की बहस भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये किस बदबख्त ने कहा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल इंसान नहीं मानते। जहाँ कामिल इंसान होना आपकी बेसत है वहाँ आपकी नूरानियत आपकी तख्लीक़ व खिलकत है। उसमें आप अशरफ अली थानवी की वो नशर तीब का मुतालिया करो जो कह रहा है कि कौन तो नूरन बैना यदै रबी कबल खल्क आदम बेअरबात आशर अल्फ़ आमिन, मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले भी नूर था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत के बारे में जो थानवी साहब ने लिखा है तो क्या उन पर शिर्क और बिदत का फतवा लगाओगे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है वो है बादस खुदा बुजुर्ग की किस्सा मुख्तसर। और खिलकत में नबियों से अव्वल आपका होना, देखो ना हदीस के लफ्ज़ हैं कौन तो नबी, मैं नबी था आदम की मट्टी और गारा से पहले, पानी से पहले मैं नबी था। ये आपकी फजीलत है। जब आदम बशरियत भी नहीं है उससे पहले आपकी नबुवत है, ये है शर्फ। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग की किस्सा मुख्तसर। अब तू फिर नऊज बिल्ला जसारत करेगा एक इस हदीस को ज़ईफ़ कहने की, तो कुरान को तो ज़ईफ़ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला कदीम है, कदीम आज़ली है, और कदीम आज़ली अपने कुरान में फरमा रहा है युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कदीम है, अगर हम उसके कौल को कदीम ना माने तो वो कदीम नहीं रहता। तो मालूम हुआ जो आपकी अफजलियत का मियार है वो अव्वलुल खल्क अव्वल नबी होना है। इसलिए आए आखिर में हैं लेकिन खिलकत में अव्वल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया युसल्लूना अलन नबी, ये नहीं फरमाया युसल्लूना अला मुहम्मद, मैंने मोहम्मद पर दरूद भेजा, नहीं। युसल्लूना अलन नबी हदीस के लफ्ज है कुन तो नबी, कुरान के अल्फाज है युसल्लूना अलन नबी। तो मालूम हुआ हजूर अव्वलुल खल्क हैं और अल्लाह ने ताज नबूवत आपको पहना दिया, तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। ताज नबूवत पहनाने के बाद अल्लाह ताला ने आप पर दरूद पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत और बशरियत ये बाद की बातें हैं, इनसे पहले तो आपकी नबूवत है, आपकी तख्लीक है, आपकी खिलकत है। इसलिए हदीस से इस्लाह ले मौलवी साहिबा, हदीस से इस्लाह ले, कौन तो नबी हुआ आदम व बैन अल माय वत्तीन, मैं नबी था आदम के गारे और मट्टी से पहले, अशरफुल मखलूकात से पहले आपकी नबूवत है। लेकिन ये इंसानियत को शर्फ मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इंसानों में हुई, आप कामिल इंसान हैं और आपका नूर सबसे पहले खल्क किया गया। थानवी साहब ने भी ये हदीस दे दी नशरुत्तीब में, कौन तो नूरन बैना यदै रब्बी कबल खल्क आदम बेअरबात आशर अल्फ आमिन, मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले नूर था। लेकिन आपकी जो अजमत का डंका है वो ये है, नूर और बशरियत की बात मत कर, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। और सीनियर बुजुर्ग हैं जिनको ये असली खालिस देवबंदी साहिबान भी अपना पेशवा मानते हैं,
ہم اہل سنت صلوات و سلام پڑھنے والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے کیا خوب عقیدہ بیان کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، نو وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اے اللہ کے محبوب، اے صاحب جمال، اگر آپ کی پاک طیب اطہر بشریت کا ذکر کرتا ہوں تو آپ سید البشر ہو، اگر آپ کی نورانیت کا ذکر کرتا ہوں جس کے بارے میں حدیث ہے اول ما خالق اللہ نوری، جس کے بارے میں حدیث تھانوی صاحب نے نشر و تیب میں نقل کی، کن تو نورن بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی نور تھا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نو وجہ کل منیر لقد نور القمر، اگر آپ کے چہرہ انور کی نورانیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نور سے بھیک طلب کرتا ہے چاند۔ پھر وہ کہتے ہیں لا یمکن ثناء کما کان حقہ، ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس لیے تو نے انکار کیا ہے کہ آپ کی نورانیت کا، ہم تو آپ کی نورانیت کو مانتے ہیں، تخلیق خلقت نور ہے اور تو اسے روح کہہ رہا ہے، کس تفسیر کا حوالہ ہے؟ اپنی طرف سے ڈھکوسلے نہ مارو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے اور رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مذہب حق اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ حق، یہ کتنی دیر چلو گھٹی گھنٹے دی گفتگو۔